APSA-80 एक परफॉर्मेंस मैक्सिमाइजर है जो किसानों को अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है और आपको अपना एम्वे व्यवसाय बढ़ाने के लिए एक शानदार आधार प्राप्त हो सकता है। आइए इस उत्पाद की विशेषताओं और लाभों के बारे में जानते हैं। एम्वे APSA-80 एक जांचा परखा गया स्प्रे सहायक है। यह खेतों, एस्टेट्स और बागानों में उपयोग किया जाता है। उत्पाद में बायोडिग्रेडेबल सर्फेक्टेंट्स होते हैं। यह एक सहायक के रूप में प्रयोग किया जाता है जो कीटनाशकों और उर्वरकों की प्रभावशीलता में सुधार करता है। APSA-80 का प्रयोग सिंचाई के लिए सहायक प्रसारक और उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है जो पाउडर और ऑयल बेस वाले तरल पदार्थ को फैलाने में मदद करता है। APSA-80 सतह के तनाव को कम कर देता है और पानी को अधिक गीला बना देता है। इस प्रकार सिंचाई के लिए उपयोग में लाए गए पानी का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करता है। कीटनाशकों को बेहतर तरीके से फैलाने में मदद करता है और इस प्रकार बेहतर रोग नियंत्रण करता है। पानी को विभिन्न प्रकार की मिट्टी में आसानी से घुसने में मदद करता है, इसलिए पानी कम बर्बाद होता है। यह स्प्रे उपकरणों में जाम नहीं लगने देता है और यह फसल की पैदावार के लिए कीटनाशक और उर्वरक कवरेज को बेहतर बनाता है। यहाँ खेतों और पौधों के लिए एम्वे APSA-80 का उपयोग करने के कुछ सुझाव दिए गए हैं। जब कीटनाशक या फंगिसाइड्स, पत्तेदार उर्वरक और डिफोलिएटर्स के साथ प्रयोग किया जाता है तो 15 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर APSA-80 मिलाएं। जब पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड्स के साथ इस्तेमाल करना हो तो 15 लीटर पानी में 20 मिलीलीटर APSA-80 मिलाएं। जब सिंचाई सहायक के रूप में उपयोग किया जाता है तो प्रति एकड़ में कम से कम 80 लीटर पानी में उत्पाद का 160 मिलीलीटर मिलाएं। APSA-80 एक परफॉर्मेंस मैक्सिमाइजर है जो किसानों को अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है और आपको अपना एम्वे व्यवसाय बढ़ाने के लिए एक शानदार आधार प्राप्त हो सकता है। APSA-80 उपकरण को साफ रखने में हमारी सहायता करता है और नोजल्स के जाम होने से रोकता है। भाई ये बताओ, ये APSA-80 काम कैसे करता है? APSA-80 काम कैसे करता है? चलो इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 कार्डबोर्ड और 1 पानी से भरी हुई बोतल और APSA-80। अब दोनों कार्डबोर्ड शीट्स पर पानी से भरी हुई बोतल से 2-2 बूंद पानी डालते हैं। देखा, सतही तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण पानी कैसे कार्डबोर्ड पर रुक जाता है, ठीक वैसे ही जैसे वो पत्तों पर रुक गया था। अब इसमें से एक पर डालते हैं APSA-80 की एक ही बूंद। देखा कैसे APSA-80 ने पानी की बूंद को सतह पर फैला दिया। चलो अब इस प्रयोग पर नजर डालते हैं तो APSA-80 के असर वाले कार्डबोर्ड पर पानी पूरी तरह फैल भी गया है, साथ ही साथ इसके भीतर तक भी समा गया है। अब दूसरा कार्डबोर्ड देखते हैं। देखा पानी अभी भी ऊपर रुका हुआ है। अब इस कार्डबोर्ड को टेढ़ा करते हैं। देखो सारा पानी बिना अंदर समाए ही कैसे बह गया। इसी तरह जब खेतों में घोल का छिड़काव करते हैं तो वो बूंद बनकर रह जाती है और हवा चलने पर बिना असर किए बह जाती है। अब एक छुरी से APSA-80 वाले कार्डबोर्ड की सतह को खरोच कर देखते हैं। इसमें पानी पूरी तरह सोख लिया गया है। तो इससे पता चलता है कि APSA-80 के छिड़काव से किस तरह आपकी फसलों को पानी व अन्य तरल पदार्थों को सोखने में मदद मिलती है। मतलब चाहे कीटनाशक, खरपतवार नाशक, फफूंदी नाशक, निष्पत्रक या पर्णीय उर्वरकों का घोल या फिर केवल पानी क्यों ना हो, APSA-80 इन सभी तरल पदार्थों के असर को बढ़ा देता है। APSA-80 एरम लीव डेमोंस्ट्रेशन। इस डेमोंस्ट्रेशन का मकसद ये दिखाना है कि APSA-80 पानी के सतह तनाव को खत्म करके इसे सतह पर फैलाने की काबिलियत देता है जिससे कीटनाशकों और फोलियो फर्टिलाइजरों की पहुँच बेहतर हो पाती है। इस प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी। APSA-80
दो मीडियम साइज की एरम पत्तियां, पिस्टल ग्रिप स्प्रेयर वाली एक डाइल्यूशन बोतल और एक ड्रॉपर। पहले एरम की दो पत्तियों को मेज पर साथ साथ रखिए। एक पत्ती पर थोड़ा सा पानी स्प्रे कीजिए और थोड़ी देर इंतजार कीजिए। हम जानते हैं कि एरम की पत्तियों की सतह जल रोधी होती है और पानी उनकी सतह पर या तो बूंदों की शक्ल में बना रहता है या पत्तियों को बिना भिगोए बह जाता है। अब पानी में एप्सा 80 की कुछ बूंदें डालें और इसे दूसरी पत्ती पर स्प्रे करें। आप ये देखेंगे कि आश्चर्यजनक रूप से ये पत्ती गीली हो जाती है और पानी पूरी पत्ती पर फैल जाता है। साथ साथ रखी दोनों पत्तियों की जांच करें, आपको अंतर साफ नजर आएगा। इससे साबित होता है कि एप्सा 80 पानी या स्प्रे सॉल्यूशन के सतह तनाव को खत्म करके इसे सतह पर समान रूप से फैलाने में मदद करता है, जिससे कीटनाशकों और फॉलियर फर्टिलाइजरों की पहुंच बेहतर हो जाती है। इस तरह एप्सा 80 फसल के बेहतर बचाव और बेहतर उपज को सुनिश्चित करता है। एप्सा 80 एनर्जीवन स्प्रे फ्रॉम एमवे।